वेलकम टू मैजिक स्मार्ट होम्स। आज जो हम कैमरा आपके पास ले आए हैं, ये सुपर कैम सीरीज में वीडियो कॉलिंग कैमरा, एक ऐसा कैमरा जो आपने आज तक देखा नहीं होगा। मैं इसका फीचर दिखाता हूँ। इस कैमरे में एक स्क्रीन है और कुछ कॉलिंग बटन्स हैं। मैं अपने ही टीममेट शिवानी को कॉल करता हूँ। देखिए, मैंने कॉलिंग करने के लिए बटन दबाया, उसे कॉल जा रही है और अब मैं शिवानी से बात करूंगा। हाय शिवानी। हाय शिवानी, क्या स्टेटस है, क्या चल रहा है स्टेटस? अच्छा अच्छा, मुझे दिखाओ ये पैकेट्स कहाँ पर हैं, क्या हो रहा है। अच्छा अच्छा, थैंक, ठीक है, थैंक शिवानी। तो इस जबरदस्त कैमरे को जो कि आप देख पा रहे हैं, कितने अच्छे फीचर्स, कितने अच्छे यूजेस हो सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं, बिना किसी नंबर के डायरेक्टली बटन दबा के बात कर सकते हैं, आपकी वीडियो देख सकते हैं, अपने ऑफिस में यूज कर सकते हैं, बहुत सारे यूज केसेस हैं। इस कैमरे को पूरा हम इसके फीचर को रिव्यू करते हैं, कैसा है, क्या है और कैसे इंस्टॉल करना है, पूरा इस वीडियो में। वीडियो में बने रहे इस इंटरेस्टिंग कैमरे को। तो इस कैमरे की ऐप थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि वीडियो कॉलिंग है। इसमें V360 Pro ये है ऐप, कुछ ऐसी दिखती है। आप जितने भी कैमरेज आप ऐड कर सकते हैं और वो एक ही स्क्रीन पर दिखेंगे। मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ, थोड़े एड्स आते हैं बट इनको आप इग्नोर कर दीजिए। तो इस तरह का इसका स्क्रीन दिखता है। यहाँ से आप डायरेक्टली वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग बटन से इसको प्रेस करके आप डायरेक्टली वीडियो कॉल स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम ये नहीं चाहते हैं, अभी हम बस रिव्यू करना चाहते हैं इसके सारे फीचर। तो इसमें UHD और HD दो वीडियो क्वालिटीज अवेलेबल हैं। आप इसमें डिजिटल जूम करके देख सकते हैं प्रोडक्ट को। अगर आपको बात करनी है डायरेक्ट तो आप स्पीक बटन यूज कर सकते हैं, वहां की वॉइस अगर सुननी है तो वो भी सुन सकते हैं। बाई डायरेक्शनल वॉइस है, इस बस वॉइस को वो कर दीजिए, इसको अनलॉक कर दीजिए। और साथ में इसके अंदर स्नैपशॉट लेने की और वीडियो बनाने की फैसिलिटीज भी दी है। और कैमरा PTZ है, इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली ऐप से इस तरह से कैमरे को रोटेट कर सकते हैं इन बटन्स के थ्रू। और अप एंड डाउन, जी हाँ, देखिए अप एंड डाउन कर सकते हैं और आप इसको दो सभी डायरेक्शंस में रोटेट कर सकते हैं। अब इस कैमरे की सेटिंग्स में देखते हैं, यहाँ पे है मैजिक। इस कैमरे में क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं, देखिए मोबाइल ट्रैकिंग, मतलब अगर आप चाहते हैं, ये एक्चुअल मोशन ट्रैकिंग है कि अगर कोई भी इंसान रोटेट करता है तो ये कैमरा खुद ही आपको एडजस्ट कर लेगा, मतलब ये उसको ट्रैक करेगा। और इसमें है कि आप अलार्म, इंटेलिजेंट अलार्म, जो कि बाकी भी सुपर कैम वाले डिवाइसेस में हैं, कि मोशन डिटेक्शन पे अलार्म सेट कर सकते हैं। इंटेलिजेंट डिटेक्शन भी है इसमें, और सायरन अलार्म, मतलब काफ़ी ब्लेयरिंग सायरन भी प्ले कर सकता है। और जो इंटेलिजेंट अलार्म है उसमें ह्यूमनॉइड डिटेक्शन है, मतलब ह्यूमंस को भी डिटेक्ट कर सकता है, ह्यूमन जैसे फीचर को डिटेक्ट कर सकता है, मोशन को डिटेक्ट कर सकता है और उसके बेसिस पे कुछ एक्शन ले सकता है। और उसके अलावा इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि शेयरिंग के लिए सिंपल, अगर आपको किसी और से शेयर करना है तो 5 लोगों से आप डिवाइस शेयर कर सकते हैं और सिंपल एक QR लेके इसे स्कैन किया दूसरे डिवाइस दूसरे ऐप में और ये शेयर हो जाएगा। तो काफ़ी फीचर रिच है इसमें। आप और भी फीचर्स हैं जो देख सकते हैं, ऑफ स्क्रीन मोड है, मेंटेनेंस डिवाइस है, 1-क्लिक ऑब्स्टिकल रिपोर्टिंग है। बट जो जानने वाली चीज़ें हैं कि इसमें डिजिटल जूम है, वीडियो कॉलिंग है। सो ये पूरा रहा ऐप। और अब मैं इस कैमरे को क्विकली इंस्टॉल करके दिखाऊंगा ये कैसे तो क्विकली इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉल क्योंकि मैंने पहले भी कॉन्फ़िगर किया है वीडियो में दिखाने के लिए, तो मैं इसको रीसेट करूंगा। ये रीसेट बटन है, इसको मैं 5 सेकंड तक दबाता हूँ। ये देखिए, तो ये कैमरा अब रीसेट हो गया है। तो अब इसके बाद जब तक ये रीसेट हो गया, रीस्टार्ट हो, ऐप दिखा देता हूँ आपको। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और V360 Pro सर्च कीजिए। नया मेरा फ़ोन है इसलिए मैं ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसमें देखते हैं V360 Pro, ये है ऐप। मैं इसको करता हूँ V380 Pro नहीं। तो इसकी ऐप है V360 Pro जो कि प्ले स्टोर पे है। तो इस ऐप को मैं कर देता हूँ सिंपली इंस्टॉल। थोड़ा टाइम लगेगा इस डाउनलोड होकर इंस्टॉल होने में, और उसके बाद हम इस ऐप को कर देंगे। मेरा ऐप हो गया इंस्टॉल, इसको करते हैं थोड़ा प्ले। अब थोड़ा प्रोसेस स्लाइटली डिफरेंट है, मुझे क्लोजली देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। सिंपल है, अग्री कर दिया, ये सारे कुछ वो है, ट्राई इट नाउ कर दिया। अब इसमें लॉगिन आप कई तरीके से करते हैं, यूजर नेम पासवर्ड डाल सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका है कि केवल साइन इन विद गूगल कर दीजिए। मेरा अकाउंट है गूगल पे, तो मैंने सिंपली क्लिक कर दिया और ये साइन इन हो गया। और ये अब मुझे कह रहा है कि फॉर बेटर ऑफ रिजल्ट्स वीडियो कॉल पुश
एक्सपीरियंस, प्लीज ओपन द फ्लोटिंग विंडो, तो ये सेटिंग आप कर सकते हैं। तो ये इसमें कुछ इसमें क्या है कि इस ऐप को आपको अलाउ करना है, V3 ये डिनाइड लिखा हुआ है अभी, इसको मैं कर देता हूँ अलाउ। इससे क्या होता है कि जब कॉल आती है तो आपको होम स्क्रीन पे ही दिखाई देगी, तो ये मैंने कर दिया है। वापस से ऐप पे आते हैं, ओके ओके कर दीजिए। अलाउ नोटिफिकेशंस करना ज़रूरी है, ये भी बाय डिफॉल्ट डिनाइड होता है, तो इससे नोटिफिकेशन आ जाएगी।